देशवासियों नमस्कार, मैं जितेंद्र और आज की न्यूज़ एनालिसिस में हम किसान बिल के बारे में जानेंगे। गवर्नमेंट ने लोकसभा में 3 कृषि विधेयक को पारित किया है, जिसको लेकर जबरदस्त विरोध भी हुआ है। यहां तक कि बीजेपी के साथ गठबंधन वाली पार्टी भी इसका विरोध कर चुके हैं और गवर्नमेंट पर किसान विरोधी होने का आरोप लगाया जा रहा है। इसके अलावा वरिष्ठ नेता हरसिमरन कौर बादल ने भी इस विरोध में इस्तीफा भी दिया है और अभी भी किसान सड़कों पर उतरकर इन विधेयकों का विरोध कर रहे हैं। यह एक बहुत बड़ी विडंबना की बात है। किसान, जिसे हम देश का अन्नदाता कहते हैं, वो किसान जो दूसरों की भूख मिटाने के लिए ठंडियों, गर्मियों और बरसात की परवाह किए बिना दिन रात मेहनत करता रहता है। दोस्तों, जब हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करते हैं, जिसे देश की रीढ़ कहा जाता है, तो हमारे सामने एक बहुत बड़ा दुखद पिक्चर सामने आता है। 70 साल हो गए इस देश को आज़ाद हुए, पर आज भी हमारे देश का 50% आबादी कृषि पर निर्भर है। कभी लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था, जय जवान जय किसान, यह एक बहुत पॉपुलर नारा था। तो आज क्यों वही किसान प्रोटेस्ट करने के लिए सड़कों पर उतर आए हैं? ऐसी क्या बात हो गई पूरे देश में, पूरे जगह, हर जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं? दिल्ली की बात करें, हरियाणा की बात करें, पंजाब की बात करें, यूपी की बात करें, हर जगह किसान आंदोलन कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। पिछले साल 2020 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो फॉर्म बिल पास हुआ था, उसको लेकर कई विपक्ष पार्टी और कई किसान पूरे देश में असंतुष्ट दिखाई दे रहे हैं। आए दिनों किसान जगह जगह पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारी सरकार बोल रही है, यह जो बिल है ये गेम चेंजर है, एक प्रकार से गेम चेंजर, और किसानों की सारी समस्या का हल इसी बिल में है और किसानों की आय भी दुगना कर देगी। इसलिए यह बिल देश के लिए, किसानों के लिए एक गेम चेंजर का काम करेगी, जिससे कि हमारा किसान बिचौलियों से मुक्त होकर अपनी फसल को पूरे देश में कहीं भी बेच सकता है। लेकिन दोस्तों, आपको पता ही है, यदि सरकार ने कोई बिल लाया है तो वो गेम चेंजर ही होगा। और विपक्ष कह रहा है यह बिल पूरे देश को बर्बाद कर देगा, और आपको तो पता ही है कि यदि कोई पार्टी विपक्ष में है तो उसके अनुसार बर्बाद ही होगा। इंडिया में यह आज की बात नई नहीं है, यह 1947 से लेकर अब तक हो रहा है। यानी जो पार्टी पावर में होती है, सत्ता में होती है, वो जो भी वो करेंगे सही ही करेंगे, चाहे वो नोटबंदी हो या फिर GST, चाहे वो FDI हो या किसी भी तरह का बिल हो। और यदि कोई पार्टी विपक्ष में है तो चाहे कुछ भी हो, वो सब खराब ही होगा। लेकिन मुद्दे की बात है कि यह आपको, हमें और समाज को डिसाइड करना है क्या अच्छा है क्या खराब है। तो आज हम किसान बिल यानी कि फॉर्म बिल के बारे में ही जानेंगे। इंडियन पार्लियामेंट द्वारा एग्रीकल्चर के 3 बिल को अमेंडमेंट किया गया है। यह बिल पहले जून 2020 में ऑर्डिनेंस के रूप में लाए गए थे और कुछ महीनों बाद इसे पार्लियामेंट में पास कर दिया गया। यदि हम बात करें, इसमें सबसे ज़्यादा प्रोटेस्ट पंजाब, हरियाणा और यूपी के इलाके में किए गए, और इसके अलावा देश में और भी कई जगह, कर्नाटका, बंगाल, पूरे देश में थोड़ा बहुत प्रदर्शन जरूर हुआ। इस फॉर्म बिल पर इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है, तो आज हम इस बिल के बारे में जानेंगे। ये तीनों बिल इस प्रकार हैं, द फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020, दूसरा बिल द फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फॉर्म साइंस बिल 2020, और तीसरा और लास्ट बिल द एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल 2020। अब हम एक एक करके
तीनों एक्ट को समझेंगे और उसमें क्या प्रोविजन है और उन्हें क्यों लाए गए और उनके क्या समस्याएं हैं और गवर्नमेंट को उसमें क्या अमेंडमेंट कर देना चाहिए और इसके क्या सलूशन हो सकते हैं, इसके बारे में हम आगे जानेंगे। इस फॉर्म बिल में जो पहला एक्ट है उसका नाम है द फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020, यानी कि कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण अधिनियम 2020। तो सबसे पहले हम इसे इसके नाम से समझते हैं। इस नाम में तीन पार्ट हैं। पहला पार्ट फार्मर प्रोड्यूस, दूसरा ट्रेड एंड कॉमर्स और तीसरा प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020। यहाँ पर फार्मर प्रोड्यूस का मतलब गेहूँ, चावल या दाल भर नहीं है। इसका मतलब फार्मर द्वारा जो भी प्रोड्यूस किया जाता है, कोई भी प्रोडक्ट जिसमें कि सब्जी हो सकती है, टमाटर हो सकता है, आलू हो सकता है, कोई फल हो सकता है, फूल हो सकता है, यहाँ तक कि डेयरी उद्योग भी शामिल है, दूध, मछली, सुअर, मुर्गी, पशु, पक्षी, मत्स्य पालन, जो भी इसमें शामिल है, एक्टिविटी है, इसमें शामिल किया गया है। इसका दूसरा पॉइंट है ट्रेड एंड कॉमर्स। फार्मर की प्रोड्यूस का ट्रेड एंड कॉमर्स हो सके, यानी कि वाणिज्य। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ट्रेड जो शब्द है यह कॉमर्स का ही पार्ट है। जैसे कि कोई होलसेलर या ट्रेडर किसान के पास जाकर 30 रुपए किलो दाल खरीदता है और वो होलसेलर रिटेलर को उस कीमत से ज़्यादा 40 रुपए में बेच देता है और फिर वो रिटेलर किसी शॉपकीपर को 50 रुपए पर केजी में बेच देता है और वह शॉपकीपर किसी व्यक्ति को 60 रुपए प्रति केजी बेच दिया। तो यहाँ पर एक प्रकार से चैन सीरीज में इकोसिस्टम काम कर रहा है, यानी कि एक व्यक्ति ने कम दाम में कोई सामान खरीदा और उससे थोड़ा ज़्यादा प्राइस में बेच दिया, तो जो प्रॉफिट मेकिंग का प्रोसेस है उसे हम ट्रेड कहते हैं। और कॉमर्स का मतलब है वो सारी एक्टिविटी जैसे कि एग्रीकल्चर, लॉजिस्टिक, स्टोरेज, इलेक्ट्रिसिटी, लेबर एक्सपेंसेस, सामान को पैकेज करने का जो खर्चा है वो सभी कॉमर्स के अंतर्गत शामिल है। तो इस एक्ट के अनुसार फॉर्मल प्रोड्यूस का ट्रेड एंड कॉमर्स हो सके, इसके साथ साथ उसका प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन के बारे में इस एक्ट में एक्सप्लेन किया गया है। इस एक्ट में पहला क्लॉज है ट्रेड एरिया आउटसाइड APMC। यहाँ पर APMC का मतलब है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, यानी कि अनाज मंडी। इस एक्ट के अनुसार अब किसान APMC के बाहर जाकर अपनी फसल को बेच सकता है, यानी ट्रेड कर सकता है। यह एक प्रकार का चॉइस है, जैसे कि एक बिस्किट बनाने वाली फैक्ट्री है और उस फैक्ट्री को बहुत ज़्यादा क्वांटिटी हजारों टन में गेहूं चाहिए, तो वह गांव में जाएगा और गांव में ही एक स्पॉट बना देगा जहां पर सभी गांव के किसानों की फसल वह खरीद लेगा। और यहां पर फैक्ट्री का कोई वेयर हाउस भी हो सकता है। यहां पर यदि किसान चाहे अपनी फसल को किसी एक्सपोर्टर को भी बेच सकता है, यानी कि जहां पर किसानों को ज़्यादा रेट मिले वह किसान अपनी फसल को वहां बेच सकता है। और यह कानून यह भी कहता है कोई भी किसान अपनी फसल को इंट्रा स्टेट या इंटर स्टेट कहीं भी बेच सकता है, यानी कि देश के किसी कोने में जाकर वह अपनी फसल को बेच सकता है। यहाँ पर एक नेशन एक मार्केट की बात कही गई है। दूसरी बात, यहाँ पर गवर्नमेंट बोल रही है कि किसान अपनी फसल का
ऑनलाइन ट्रेडिंग भी कर सकता है, जैसे कि आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा में जाकर कुछ भी खरीद सकते हैं और आप ओलेक्स में जाकर कुछ भी बेच सकते हैं। तो किसान अपनी फसल को क्यों नहीं बेच सकता? इसलिए किसान अपनी फसल को ऑनलाइन बेच सके B2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस, B2C यानी कि बिजनेस टू कस्टमर को बेच सके। जस्ट एग्जांपल, ई कॉमर्स वेबसाइट की तरह इनकी भी वेबसाइट डेवलप हो सकती है और साथ ही इनका लॉजिस्टिक सिस्टम भी डेवलप किया जा सकता है। जैसे कि आप अमेजोन में 150 रुपये की टी शर्ट कश्मीर से कन्याकुमारी तक डिलीवरी की जा सकती है। कश्मीर का ट्रेडर कन्याकुमारी में अपनी टी शर्ट बेच सकता है। तो किसान अपनी फसल को पूरे मार्केट में क्यों नहीं बेचे? इसलिए किसानों की फसल को भी लिस्टिंग की जा सकती है और मार्केट में ट्रेड किया जा सकता है। यहाँ पर किसान घर बैठे अपनी फसल को बेच सकता है। यदि आप दुनिया की हर चीज़ ऑनलाइन खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, पर किसान अपनी फसल को ऑनलाइन क्यों नहीं बेच सकता? मैं आपको एक एग्जांपल देकर इसे और ज़्यादा क्लेरिफाई करता हूँ। यदि आप 40 रुपये प्रति केजी प्याज खरीद रहे हैं तो किसान को जो मार्केट में मैक्सिमम पैसा मिला होगा वह अधिकतम 10 से 15 रुपए के बीच में ही मिला होगा और उस 15 रुपए में उसकी सारी कॉस्ट भी इन्वॉल्व है, जैसे कि उसकी सारी मेहनत, बीज, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड के बावजूद भी उसे कम से कम 3-4 रुपए का ही प्रॉफिट हुआ होगा और कई बार उसे उतना भी प्रॉफिट नहीं मिलता। तो आप बताइए, उस किसान को उस 40 रुपए में 20 रुपए प्रॉफिट क्यों नहीं मिलना चाहिए? तो ऑनलाइन ट्रेडिंग में ऐसा पॉसिबल है, जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट काम कर सकती है, तो भारत की अपनी कृषि ऐप भी हो सकती है और उसमें काम कर सकती है। जब पूरे भारत में पेन, पेपर, कमीज, ट्राउजर, जूते, मोजे, कॉपी, किताब, हर एक चीज़ ऑनलाइन बिक सकती है, इनको जियोग्राफिकल या स्टेट का कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो कोई भी किसान अपनी फसल क्यों नहीं बेच सकता? इसलिए सरकार का मानना है, जब उन्हें ये अधिकार मिलेगा तो उनके पास मैक्सिमम चॉइस होगी और इससे स्मार्ट फार्मिंग होगी और नेशनल और इंटरनेशनल लेवल में किसान डिमांड के आधार पर किसानी कर सकेंगे। ऑनलाइन ट्रेडिंग में ऐसा भी हो सकता है, किसान मार्केट में जाकर अपनी फसल को डिमांड के आधार पर अपनी प्राइस डिसाइड करेंगे और अपनी फसल को ट्रेड कर सकते हैं। और यदि हम बात करें इस एक्ट की बुराइयों की, इस एक्ट में क्या खामियां हैं, तो सबसे बड़ी खामी यह है, इस एक्ट के आने से APMC पूरी तरह से धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, क्योंकि इस एक्ट के आधार पर जब दूसरे ट्रेडिंग एरिया में कोई टैक्स नहीं लगेगा तो किसान APMC में नहीं जाएगा, जिसकी वजह से कुछ दिनों बाद APMC बंद सी हो जाएंगी, जिसकी वजह से वहां पर काम करने वाले हजारों मजदूर, अकाउंटेंट और मिडिल मैन भी बेरोजगार हो जाएंगे। इस एक्ट के अनुसार डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम यानी कि ट्रेडर और किसान के बीच में यदि कोई डिस्प्यूट हो जाए तो उनके बीच जो भी समाधान है वह SDM या फिर कलेक्टर ही डिस्प्यूट सेटलमेंट कर सकता है। आप किसी कोर्ट में नहीं जा सकते हैं और आपको पता है ये SDM और कलेक्टर सरकार के अंडर काम करते हैं और कई बार गवर्नमेंट उन पर दबाव भी डाल सकती है, जिससे एक न्यूट्रल न्याय नहीं हो सकता है। और कई बार आपको पता है ये गवर्नमेंट कॉरपोरेट के आधार पर कोई भी लॉज बनाती है, तो यहाँ पर कई बार किसान के साथ इनजस्टिस हो सकता है, क्योंकि किसान किसी भी कोर्ट में जा नहीं सकता और कोई भी कोर्ट इन किसान के मामलों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकती। इस बिल के अनुसार कोई भी किसान कहीं पर भी किसी भी जगह किसान अपनी उपज बेच सकता है, कोई भी स्टेट
किसान पर कोई किसी भी तरह की पाबंदी नहीं लगाई जाएगी। इसका दूसरा बिंदु यह है, प्राइवेट मंडी स्टेबलाइज की जाएगी। अभी तक क्या होता है, भारत का किसान APMC के द्वारा किसान अपने अनाज को बेचता है, जिसे हम कृषि मंडी कहते हैं। ऑल ओवर इंडिया में 7,000 कृषि मंडी हैं। यहाँ किसान अपनी उपज को लेकर जाता है और किसान अपनी फसल को बेस्ट प्राइस में बेचता है। उसके इस फसल को मिडिलमैन यानी कि बिचौलियों द्वारा खरीदा जाता है। ये मिडिलमैन को लाइसेंस गवर्नमेंट देती है। APMC में बाकायदा इन मिडिलमैन की दुकानें होती हैं, स्टोरेज फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। ये किसानों से डायरेक्ट उपज को ख़रीदते हैं और ये मिडिलमैन इस उपज को आगे होलसेलर रिटेलर को बेचते हैं। यह एक बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से काम करता है, एक प्रकार से इकोसिस्टम की तरह होता है। इसमें कई लेबर, अकाउंटेंट, रिटेलर, होलसेलर किसानों से मिलकर एक प्रकार का इकोसिस्टम होता है। अब इस नए लॉ के आने से क्या बदलाव आएगा, आइए इसको हम समझते हैं एक छोटे से एग्जांपल से। जैसे कि अडानी विल्मर की कंपनी का एक टॉप ब्रांड फॉर्चून चक्की फ्रेश आटा है। इसके पहले इस कंपनी को क्या करना पड़ता था, ये कंपनी मिडिलमैन से कॉन्ट्रैक्ट करते थे। इस बिल से ये कंपनी क्या कर सकती है, ये डायरेक्ट किसानों के पास जाकर गेहूं खरीद सकती हैं। तो किसानों के पास ये ऑप्शन है कि ये मिडिलमैन को बाईपास करके इन मिडिलमैन को न बेचकर डायरेक्ट इंडस्ट्रियल बायर या डायरेक्ट कंपनी को बेच सकते हैं। तो ये कंपनी डायरेक्ट किसानों से एग्रीमेंट कर सकते हैं कि हम इस प्राइस में किसानों की फसल खरीद लेंगे। तो ऑन पेपर यह स्कीम तो बहुत अच्छी है। जैसे कि यदि अभी गेहूं का MSP यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जैसे कि अभी गेहूं का MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस 2015 रुपये पर क्विंटल है, जो कि गवर्नमेंट डिसाइड किया है। दोस्तों यह 2020 का आंकड़ा है जो कि ये गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है, जहां पर यदि किसान मिडिल मैन को बेचेगा तो 2000 प्रति क्विंटल तक बेच सकता है, लेकिन यदि कोई कंपनी खरीदे तो उसे 2200 या 2500 प्रति क्विंटल भी दे सकती है। तो यहाँ पर किसानों को फ़ायदा होगा, लेकिन कंडीशन फ़ायदे के बजाय नुकसान में भी बदल सकती है। जस्ट इमेजिन कीजिए, यदि मिडिल मैन ख़त्म हो जाए और 2 से 5 सालों के बीच यदि ये प्राइवेट कंपनी बोल दे कि हम 1600 रुपये प्रति क्विंटल या 1500 रुपये प्रति क्विंटल पे ही गेहूं लेंगे, तो ऐसी भी स्थिति आ सकती है। क्योंकि आपको भी पता, ये कंपनी, ये जो कॉर्पोरेट होते हैं, प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं और ये मार्केट फोर्स पे डिपेंड करते हैं। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं रहेगा, कि गवर्नमेंट यह डिसाइड नहीं कर सकती कि किसान किस रेट में अपनी फसल को बेचेगा। तो ये भी हो सकता है कि ये प्राइवेट कंपनी किसानों का और ज़्यादा शोषण करें, और किसानों को ऐसा लग रहा है कि ये स्थिति भी आ सकती है जिस पर गवर्नमेंट का कोई भी कंट्रोल नहीं होगा और किसान पूरी तरह से मार्केट से बाहर हो जाएगा और ये कंपनी मनमाने दामों में किसानों का फ़ायदा उठाएंगे। क्योंकि मैक्सिमम किसान इंडिया के मोर देन 85% छोटे किसान हैं, जिनके पास लगभग 2 हेक्टेयर से भी कम ज़मीन है और उनके पास बहुत ज़्यादा उपज नहीं होती है। तो ये किसान बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ मोल भाव कभी नहीं कर सकते, क्योंकि इनके पास मैक्सिमम 4 से 10 टन तक का ही फसल हो सकता है। यदि आपके पास 500 से 1000 टन तक की फसल है तो आप बड़ी कंपनियों के साथ थोड़ा बहुत नेगोशिएट कर सकते हैं, लेकिन आपको भी पता है हमारे देश के मोर देन 85% से भी ज़्यादा किसान काफ़ी छोटे किस्म के होते हैं, उनके पास काफ़ी ज़्यादा ज़मीन नहीं होती है। तो वो किसान मजबूरी में सोचेंगे जो भाव मिल रहा है उसे ले लिया जाए, यानी कि यहाँ पर खरीदने वाला बहुत ही बड़ा ताकतवर है और बेचने वाला बहुत ही मजबूर रहेगा। और
इन किसानों को ये भी डर है कि फ्यूचर में ये प्राइवेट कंपनियां एपीएमसी को टोटली बंद कर देंगी, क्योंकि इन सरकारी मंडियों में यदि खरीद बिक्री नहीं होगी तो वहाँ की मेंटेनेंस कॉस्ट लाइक स्टोरेज कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी, अन्य तरह के कई खर्चे होते हैं, तो सरकार इन मंडियों को घाटे में क्यों चलाएगी। अंततः किसानों को प्राइवेट मंडी में ही बेचना होगा। और इस बिल में सबसे बड़ा फायदा यह बताया जा रहा है कि किसानों को कहीं भी किसी भी स्टेट में जाकर अपनी उपज को बेच सकता है, यानी कि जियोग्राफिकल जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वह नहीं लगेगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि किसान अपनी फसल को बेचने के लिए पूरे देश में कहीं भी कोई भी तरह की कोई भी पाबंदी नहीं है। हमारे देश का किसान कभी भी किसी भी स्टेट में जाकर अपनी उपज को बेच सकता था। केवल देश का मिडिल मैन यानी कि जो ट्रेडर्स होते हैं वो दूसरे स्टेट में जाकर फसल को नहीं बेच सकते, केवल उनके लिए पाबंदी थी। अब आते हैं तीसरे बिल। यह बिल बताता है कि होर्डिंग के बारे में। इसका मतलब यह है कि बहुत सारी चीज़ों का एक साथ स्टॉक कर लेना। इंडिया में कई बार ये कॉमन था कि बड़े बड़े ट्रेडर्स मिडिलमैन फसलों का स्टॉक कर लेते थे, और जब मार्केट में उस फसल का रेट यानी भाव बढ़ जाता था तब ये मार्केट में सप्लाई करते थे। इंडिया में यह इल्लीगल है, इसलिए गवर्नमेंट ने एक क्वांटिटी फिक्स की है कि यदि एक निश्चित क्वांटिटी तक ही कोई व्यक्ति स्टॉक कर सकता है। कोई भी चीज़ के लिए भारत में एक प्रॉपर कानून बना है, लेकिन अब ये कानून इसमें ढिलाई दी जा रही है, यानी कि अब आप चाहें जितना चाहें उतना स्टॉक कर सकते हैं, अनलिमिटेड स्टॉक ये कर सकते हैं, जिसमें मार्केट में आर्टिफिशियल इन्फ्लेशन होगा, यानी कि किसी वस्तु की ज़्यादा पैदावार होने पर भी वह वस्तु की कीमत ज़्यादा रहेगी, क्योंकि प्राइवेट कंपनी उस वस्तु का स्टॉक कर लेंगे और मार्केट में धीरे धीरे सप्लाई करेंगे। कंक्लूजन, इसमें किसानों की कंप्लेन यह है कि ये तीनों कानून कंपनी के फेवर में हैं। किसान संघ का कहना है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में एमएसपी को जोड़ दिया जा सकता है, यानी कि जो गवर्नमेंट एमएसपी डिसाइड करे वही रेट कम से कम प्राइवेट कंपनी द्वारा किसानों को दिया जाए। किसान चाहता है कि एमएसपी को लीगल राइट बनाओ। उनका कहना है कि एपीएमसी में कई फॉल्ट हैं, तो एपीएमसी को अपग्रेड करके रिफॉर्म करें, ना कि एपीएमसी को हटाने की ज़रूरत है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल सिटीजन को सब्सक्राइब करें, और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जानने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।